हेलो जी, तो अस्सलाम वालेकुम एंड वी आर एन अदर व्लॉग। तो मैं बाहर आ गया हूँ, एक काम है, मुझे काम ये है कि अभी जाके मैरिज हॉल बुक कराना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो मेरी छोटी सिस्टर है उसका रुखसी का फंक्शन अटेंड करना है, तो उसके लिए मैरिज हॉल देखा था, तो अभी एक और देखा है, तो अभी वो बुक करवाने जाना है। तो अभी मैं आ गया हूँ बाहर और जाने लगा हूँ वहाँ जाके थोड़े से इजी पैसे से पैसे निकलवा लूँ और उसके बाद जाएंगे मैरिज हॉल और वहाँ जाके बुकिंग डन करके आएंगे, ठीक है। तो अभी जाते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं असल में आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ना इसी पैसे से पैसे निकलवाने थे और मैं निकलवा सकता था क्योंकि घर के पास बिल्कुल एक शॉप है वहाँ से, और मेरा इतना दिमाग खराब है, इतनी दूर में आ गया हूँ पैसे निकलवाने के लिए, दिमाग खराब हो गया मेरा ये कुछ दिनों में ही। अभी जाके पैसे निकलवाते हैं हम और फिर जाके ना बुकिंग डन करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, अब जाते हैं जाके बुकिंग डन करते हैं। और तकरीबन 60 बंदे फंक्शन क्या है? फंक्शन यही रुखसी की बारात है, टोटल 60 बंदे। ठीक है, शाम का फंक्शन है कि दिन का? दिन का। ठीक है, डे क्या टाइमिंग है? 12 से 4 होती है। 12 से 4 ठीक है, तो ये डन करते हैं। विजिट भी करना है एक बार, करा दो। तो एक मिनट भाई आप दिखा दें मुझे, फिर मैं आके डन कर देता हूँ, ठीक है। चलो यार भाई, वो मुझे बताइएगा जो जो आप फंक्शन पे आप ना रेडी करके देंगे, ताकि ना बताओ थोड़ा सा फंक्शन वीआईपी वाला। गैदरिंग है तकरीबन 60 बंदों की। 60? जी हाँ जी, 60, बाकी कमी पेशी कर लेंगे। अच्छा जी, तो ये है मैरिज हॉल। गेट जो है हाँ हाँ वो फ्री है ना? हाँ जी फ्री है, वो कह रहे हैं फ्री है। बाकी एक मिनट लाइट्स वगैरह ला के दिखा देंगे, वो दिखा दें ज़रा ताकि पता चल जाए। तो ये स्टेज अभी काफ़ी कुछ तैयार होने वाला है, अभी तो कोई हिसाब किताब भी नहीं है। अच्छा, ये सोफे होंगे जी, क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, स्कूल का हाँ हाँ। अच्छा, तो ये चेयर्स की सीटिंग है सारी, ठीक हो गया। अब लाइट शाइट नहीं चला के दिखा रहे, थोड़ी लाइटिंग। चलो ये तो चेयर्स अच्छा है, ये सोफों के ऐसे कपड़े कह रहे हैं। और यार जैसे ये दाग शाग लगे हैं, ये बुरे लग रहे हैं ना, ये प्रोग्राम लग गया इसलिए बता रहा हूँ। ठीक हो गया, वो देखते हैं ना। तो आप लाइटिंग शाइटिंग का थोड़ा बहुत दिखा देना। सेम जैसे वो है जी, दोबारा बोले। मैं कह रहा हूँ इससे आगे जो है ना 2 टेबल वो उठाए जाने हैं, स्कूल का प्रोग्राम था, स्टेज बड़ा किया हुआ था, ठीक है, इतना स्टेज होता है। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है, हाँ जी ठीक हो गया। और 5 टेबल लगने हैं, 3 जो है मर्दों की तरफ लगा लेना, ठीक है, 2 जो है ना लेडीज की तरफ। पार्टीशन जो है वो सेंटर से हो। सिर्फ 2 टेबल लगेंगे? 2-3 टेबल लगेंगे? 5 है ना, 12 5 60। एक टेबल पे कितने बैठते हैं? 12। कौन सी टेबल? ये वाली टेबल? नहीं नहीं नहीं, वो बड़ा 10 लगा देंगे। ये तो बहुत कम आप कह रहे हो, 10 सीटिंग लगा देंगे। वो इतना बड़ा टेबल है तो नहीं जितना आप। ये जो सोफा है ना जी, ये जो सोफा है इस पे 3 बैठते हैं। हाँ अच्छा, इस सोफे पे, ठीक है, तो सारी सोफा सीटिंग लगा देंगे, ठीक। स्टेज छोड़ के 6 टेबल लगा, 3 इधर और 3 उधर कह रहे हैं, इधर जो है इससे पार्टीशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब प्रॉब्लम होगा तब सब चीज़। चलो ठीक है, ओके। ये भी आप वाश करेंगे या ये ऐसे ऐसे ही वाश होगा? वाश होगा, ठीक हो गया। जमा तो वाश करते हैं ऐसे, तो नहीं छोड़ नहीं वो ही ना, क्योंकि देखने में ऐसा बाद में आप कहें कि नहीं ये ऐसा ही होता है ये वो। वाश करके हाँ सही हो गया, ये वाश सब होंगे। उसके बाद फिर ये जो मतलब कि जिधर सिटिंग हमारी होगी ना वो सिटिंग होगी, बाकी ये चेयर्स वगैरह ये सब कुछ अलग होगा ताकि ये नज़र ना आए सब कुछ। नहीं सिर्फ आपकी सिटिंग होगी और कोई चीज़ नहीं होगी। जी भाई साहब देख लीजिए, बाकी भाई कह रहे थे कि अभी क्लीन श्लीन होने वाला सारा कुछ, वॉशिंग वाला।
मतलब कि फर्श वगैरह भी वॉश होने वाला सब कुछ? हाँ, अभी तो फंक्शन लगा रहा ना, तो उसकी वजह से अभी धुलने वाला है। अच्छा, तो ये आप सब धो के फिर, तो ये सोफे की सीटिंग होगी सारी? क्योंकि मैं आपको बता फ्रंट पे सोफे लग जाएंगे और बैक पे कुर्सियाँ लग जाएंगी। वैसे आपके बंदे थोड़े ही हैं, सोफा सीटिंग लग सकती है अगर लगानी है आपने। क्या तकरीबन 60 बंदा है तो उसके लिए फिर ठीक है, सारी सोफा कर। अच्छा, क्या हिसाब किताब है इसका? डे का करना है? हाँ, डे की बात कर। तो क्या आपका तकरीबन बन जाएगा? इसमें टैक्स भी होगा, सिटिंग का भी होगा। अच्छा, इसमें बिजली हम प्रोवाइड करते हैं, वेटर हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ठीक है, बर्तन हमारे होते हैं। हाँ, और वगैरह ये सारा कुछ हमें प्रोवाइड करना होता है। ठीक हो गया, उनका खाना आपने अपना करना है। तो किचन मिलेगा? हाँ, वो इसी में ही है, किचन के भी पैसे इसी में। अच्छा, किचन मिलेगा और उसके बाद ना ही अपना होगा, और ये जो गैस आपने अपना ले, गैस भी खुद का? हाँ जी, ठीक हो गया। गैस तो बहुत महंगी पड़ती है आजकल, बालन ही सही रहता है। अच्छा, हाँ, गैस तो काफ़ी महंगी पड़ जाती है। आपका फंक्शन छोटा है, आपको थोड़ा सा बालन लगना, सामने से एक तो मिल भी जाएगा। वो तो अपना भी बहुत ज़्यादा उधर है गाँव से, या इधर गैप भी बहुत बड़ा होगा। हाँ, वहाँ से भी कर लेते हैं। हाँ, सही हो गया, ठीक। बस इस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये नीट एंड क्लीन हो, तो इसलिए ये पास्ता नज़दीक चला, सफाई वगैरह सारी आपको करवा के। ठीक हो गया, बस ये हो कि जैसे वो कह रहे थे कि सोफे की सीटिंग हो जाएगी, ठीक है, और स्टेज में भी वो क्लीन श्लीन जो भी हो आपने वो दोबारा डालना वो भी हो जाएगा। उसके बाद वो भाई कह रहे थे कि एक बार सारा वो वॉश होगा। हाँ, वॉश तो सारा करवाएंगे ना। हाँ, फंक्शन से पहले एक बार मैं चक्कर लगाऊंगा। आप दूसरा हॉल भी चेक कर लें, ये जरा एक 100 बंदे का हॉल है, पार्टी हॉल, इसमें आपका सारा सेपरेट काम हो सकता है अगर आप इधर करना चाहते हैं तो, देख लें। चलो, वो एक मिनट मैं विजिट कर लेता हूँ, उसके अलावा फिर मैं ये आपको मैं पेमेंट कर देता हूँ, आप बाकी फिर ना आप डेट फाइनल कर दें। ठीक है, सही हो गया। ठीक, ठीक है। हॉल भी आप देखते जाएं, फिर आप डिसाइड करके ना, चाहे हफ्ता पहले ही जाए बता दीजिएगा कि आपने इधर करना है या उधर करना। बस ठीक हो गया, बाकी ये अभी ये फाइनल हो गया ना? बाकी हाँ, बाकी फाइनल, बाकी फिर मैं नज़दीक ही हफ्ता पहले या फिर ना चक्कर लगा लूँगा, जैसे आपने डिसाइड किया ना वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ठीक होगा कि भाई, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। क्या तो मैरिज हॉल वगैरह डन कर लिए, बुकिंग हो गई है, तो अब मैं जाने लगा हूँ। तो वहाँ से हाल से वापसी पे मुझे बहुत भूख लग रही थी, फिर मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और यहाँ पे आके मैं खाने लगा हूँ जिंगर शुअरमा, जो कि बहुत भूख लगी हुई है मुझे, तो अभी मैं खाने लगा हूँ और खाते हुए आपको दिखाऊँगा मैं, बहुत मज़े का मैं खाता। तो ये आ गया है मेरा जिंगर शुअरमा, तो अभी ये एक मिनट करीब करके दिखाऊँ, करीब करके लेके आऊँ, ये देखो, हाय 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 हाय। तो ये आ गया, अब मैं इसको खाते हुए, खाना फंस गया है कैसे, वैसे पता नहीं लग रहा कैसे खाना। मजेदार, मैं बहुत पसंद आया, मैं बहुत खाता हूँ मजे से। खा के फ्री हो गया हूँ, अब मैं जाने लगा वापस, और वापस जाके आपसे मिलता हूँ, ठीक है, ओके। हाँ जी दोस्तों, तो मैं घर आ गया हूँ, खाना शाना भी खा लिया, मेरा चाल भी बुक हो गया, और आज का दिन हो गया है ख़त्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।